नमस्ते, मैं अपराजिता और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल होम डायरीज में। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स लेकर के आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरी सबसे पहली टिप ये है कि जब भी हम आटा गूंद करके फ्रिज में रखते हैं तो बहुत से लोगों का कहना होता है कि आटा काला पड़ जाता है, तो इसके लिए एक उपाय है, आप अपने हाथ में थोड़ा सा कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें और उसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला दें और फिर इसके ढक्कन को टाइट से बंद करके फ्रिज में रखें, तो आपका आटा कभी भी काला नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ रोटियाँ बहुत ही नर्म और मुलायम बनेंगी। मेरी दूसरी टिप है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब भी वो स्टफिंग वाले पराठे बनाते हैं तो स्टफिंग पूरे पराठे में एक तरह से नहीं फैलती है, यानी कि पूरे पराठे में अच्छे से नहीं फैल पाती है स्टफिंग। तो इसके लिए आप लोई को एक कटोरी के शेप में या तो बेल लें फिर या हाथ में घुमा करके कटोरी के शेप में बना करके तैयार कर लें। उसके बाद फिर इसे ऊपर की तरफ मोड़ते हुए, जिस तरह से कि मैं कर रही हूँ, उस तरह से मोड़ते हुए आप इसे एक लोई का शेप दे दें। पहले ऊपर की तरफ मोड़ना है, उसके बाद फिर हमें इसे गोल, जैसे रोटी बनाने के लिए आप लोई तैयार करते हैं उस तरह से गोल एक लोई बना करके तैयार कर लें। उसके बाद हमें इसे तुरंत बेलना नहीं है, हाथ में यूं प्रेस करते हुए इसे घुमाते जाना है। अगर आपको हाथ में घुमाने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा आटा लेकर के इस तरह से आप इसे अपने चकले पर ही उंगलियों की सहायता से फ्लैट कर सकते हैं, और अगर आप हाथ से घुमा सकते हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका है। इस तरह से घुमा घुमा करके हमें पहले इसे थोड़ा सा चपटा कर लेना है। उसके बाद जब हम इस पराठे को बनाएंगे तो आप देखिए, मैं बेल रही हूँ और आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि सारा स्टफिंग आपको पराठे में बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा है, स्टफिंग चारों तरफ अच्छे से फैला हुआ है। तो इस तरीके से जब आप स्टफिंग को वाले पराठे बनाएंगे तो आपकी स्टफिंग चारों तरफ पराठे में फैलेगी अच्छे से। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि हमारे पास जो भी पर्स होती है या बैग वगैरह होता है उसका जिप कभी कभी अटकने लगता है या फिर वो फ्री हो जाता है, सही तरीके से नहीं लग सकता है। तो इसका बहुत ही एक आसान सा और घरेलू उपाय है, इसे आप 2 मिनट में सही कर सकते हैं। आप कोई भी जो आपके घर में रखा हुआ कैंडल हो वो आप ले लीजिए और जिप पर इसे इस तरह से हमें रगड़ना है। जो भी जिप आपको लगता है कि वो अटक रही है या फ्री हो गई है तो आप उस पर उसको इस तरह से वैक्स को रगड़ लें। वैक्स को रगड़ने के बाद आपका जो जिप है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और अगर फ्री हो गया है तो वो भी सही हो जाएगा, और आपका ये एक बहुत बड़ा टेंशन के पर्स या बैग की जिप खराब हो गई है ये भी दूर हो जाएगा। बरसात में ऐसा अक्सर होता है कि हमारे घर की जो लॉक होती है वो अटकने लगती है, उसमें जंग वगैरह लग जाता है। तो इसका एक बहुत ही आसान सा उपाय है कि आपके घर में अगर वैसलीन हो तो आप इस लॉक में अच्छे तरीके से वैसलीन को लगा दें। अगर वैसलीन नहीं है तो आप कोई भी ऑयल इसमें लगा सकते हैं, अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इससे आपका जो लॉक है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा और अटकेगा नहीं। ऐसा अक्सर हमारे साथ किचन में होता है कि हम कुछ भी खाना बना रहे हैं और वो जल जाता है और हमारे पतीले में नीचे चिपक जाता है, जिसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसका एक बहुत ही आसान सा और सरल सा उपाय है कि आप एक गिलास पानी ले लें और उसे गैस पर पतीले को चढ़ा दें। पानी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक चम्मच सर्फ डाल देंगे और साथ ही साथ एक लेमन का टुकड़ा भी इसमें डाल देंगे और इस पानी को हम अच्छे तरीके से उबलने। अभी सर्फ और नींबू वाले पानी को हमें थोड़ी देर तक 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबलने देना है, और जब 5 से 7 मिनट के बाद हम पानी को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और उसके बाद किसी भी स्क्रबर की सहायता से, या तो आप ये ग्रीन वाला स्क्रबर ले लें या नहीं तो जो वो मुलायम तार वाला जूना होता है आप उससे भी इसे स्क्रब कर सकते हैं। बस 2 मिनट में ये दाग, जो कि बहुत ही जिद्दी दाग होता है जिसे छुड़ाने के लिए हमें कभी चाकू कभी चम्मच की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे बर्तन में स्क्रैच भी पड़ जाता है, तो इसकी सहायता से आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही जो भी इसके अंदर ये दाग लगा हुआ था ये बिल्कुल साफ हो गया, और इसे धो करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा जो पतीला है वो बिल्कुल चमक गया है, पहले की तरह बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है बहुत ही कम मेहनत में।
हम पापड़ जब भी बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं और उसका पैकेट खोलकर हम यूज़ करते हैं, फिर बाकी बचे पापड़ को किसी डब्बे में रख देते हैं यूं ही, तो या तो उनमें बहुत जल्दी सीलन लग जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर वो बहुत ही करारे हो जाते हैं और अपने आप टूटने लगते हैं। तो उसका ये उपाय है कि जो पापड़ यूज़ करने के बाद, पैकेट से निकालने के बाद, इस तरह के जिपलॉक बैग में आप रख दें। पापड़ को कितने भी दिनों तक आप महीनों स्टोर करें, ये बिल्कुल ताज़े बने रहेंगे। भिगोए हुए बादाम से छिलका निकालना बहुत ही टाइम लेने वाला काम होता है, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप बादाम को बिल्कुल उबलते हुए पानी में, यहाँ पे मैंने बिल्कुल बॉइल्ड वाटर लिया है, उसे लेकर के और आधे घंटे के लिए ढक करके छोड़ दें। आधे घंटे के बाद जब आप इसके छिलके को निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं बस इसे अंगूठे से प्रेस कर रही हूँ और इसका जो छिलका है वो बाहर आ जा रहा है। ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका निकल जा रहा है, तो ये हमारे बहुत से टाइम को सेव करता है। तो आपको जब भी ढेर सारे बादाम को निकालने की ज़रूरत हो तो आप इसी तरह से उबलते हुए पानी में इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें, फिर छिलका निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आज आप लोगों को उपयोगी लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।